सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से मती रचित सुसमाचार की किताब से हम देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आइए हम थोड़ा प्रार्थना कर लें, जिससे कि परमेश्वर का वचन हमें समझ आए और परमेश्वर हमारे दिलों को खोले, परमेश्वर हमारी आंखों को खोले, जिससे कि हम परमेश्वर की बातों को समझ पाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सब भाई बहनों की आंखों को खोल दीजिए, जिससे कि परमेश्वर प्रभु हम आपके वचनों को समझ पाए, देख पाए, और हमारे हृदय को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, जिससे कि परमेश्वर पिता आपके वचनों को हम अपने हृदय में रख छोड़े। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सो यहां पर मती रचित सुसमाचार की पहली किताब का जो पहला अध्याय है उसमें हम पढ़ते हैं इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। एकमात्र ऐसा शख्स है, एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में बताया जा रहा है, यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है, उनकी जनरेशन के बारे में। मेरे भाइयों बहनों, यदि हम अपनी जनरेशन के बारे में देखें, अपने दादाजी या उनके दादाजी के बारे में या उनके पिताजी के बारे में, तो हमें उनका नाम नहीं पता होगा, लेकिन आज से 2000 साल पहले एक शख्स इस दुनिया में आया और उनका नाम था यीशु मसीह, और यीशु मसीह के पूरी जनरेशन के बारे में यहां पर लिखा है, और हम आज थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर बता रहा है इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यीशु मसीह की वंशावली के बारे में बता रहा है, तो इब्राहिम का नाम जो है पहले आ रहा है, तो हमें इब्राहिम के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार इब्राहिम कौन है। तो मती रचित सुसमाचार में जैसे हम देखते हैं, तो ये उत्पत्ति की पुस्तक में इब्राहिम के बारे में हमें मिलेगा। हम यहां पर उत्पत्ति 22 अध्याय में देख सकते हैं, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, इब्राहिम की परीक्षा की। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश को चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। ये बात परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने बेटे, एक लौते बेटे को जा करके कुर्बानी कर दे। दोस्तों, यह इब्राहिम के लिए बहुत ही चुनौती परन रहा होगा, क्योंकि इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा अपने एक लौते बेटे को कुर्बानी कर दे। अब जब हम आगे देखते हैं कि क्या इब्राहिम ने यह किया या नहीं किया, तो जब हम आगे पढ़ते हैं, इब्राहिम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी भी चीर ली। तो जाने से पहले इब्राहिम ने पूरी तरीके से तैयारी करी, लकड़ियों को लिया, दो नौकरों को लिया, गधे को लिया, और सब लेते हुए साथ ही साथ अपने बेटे इसहाक को भी लेके जा रहे थे पूरी तैयारी के साथ। और जब जैसे जैसे हम आगे की तरफ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इब्राहिम ने वहां पहुंचने के लिए 3 दिन लगे इब्राहिम को। क्यों 3 दिन लगे? क्योंकि परमेश्वर ये जांचना चाहता था कि क्या उसका मन बदल जाता है या नहीं, इसलिए इब्राहिम को समय भी दिया। अब यहां पर लगभग गधे और लकड़ियां और इसहाक और उनके दो सेवक, कई सारे लोग चल रहे थे, और जैसे जैसे वो आगे चलते हुए गए और 3 दिन के मार्ग उन्होंने लिया, 3 दिन के बाद जब वहां पर पहुंचे तो इब्राहिम ने आंखें उठाकर देखा कि वो जगह जो परमेश्वर ने उसको कहा था वहां पहुंच चुका था। और उसके बाद इब्राहिम ने एक काम किया, अपने सेवक से कहा यहीं ठहरे रहो, गधे को भी वहीं रोक लिया गया और गधे के ऊपर जो लकड़िया था वो लकड़ी इसहाक के कंधों पर दे दिया गया। आइए हम पढ़ लेते हैं, 6 आयत में लिखा है, तब इब्राहिम से होम बलि की लकड़ी लेकर अपने
पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने साथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े, दोनों एक साथ चल पड़े। अब देखिए मेरे दोस्तों कि यहां पर जो लकड़ियां इसहाक के कंधों पर रखा जा रहा है, इसहाक एक बच्चा नहीं है, इसहाक एक जवान है। और दूसरी बात है कि क्यों इब्राहिम ने वो लकड़ी अपने कंधों पर नहीं रखा, क्योंकि इब्राहिम जो था वो बुजुर्ग था, इस वजह से वो लकड़ियां इसहाक के कंधों पर रख दिया और इसहाक जा रहे थे अपने पिताजी के साथ ऊपर की तरफ पहाड़ के ऊपर। और जाते हुए इसहाक ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी लकड़ियां हैं, आग है, छुरी है, सब चीजें हैं, लेकिन बलिदान करने के लिए हमारे पास मेमना नहीं है। इसहाक ये अच्छी तरीके से जानता था कि मेरे पिता इतने सालों से बलिदान करते हैं और हमेशा उनके पास बछड़ा होता है, पर आज बछड़ा नहीं है, कारण क्या है? तो इसलिए इसहाक ने इब्राहिम से पूछा और इब्राहिम ने जवाब दिया कि परमेश्वर खुद उपाय करेंगे। अब तक इसहाक को नहीं मालूम था कि इसहाक ही वो बलिदान था, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचे होंगे उसके बाद इब्राहिम ने ये बात अपने बेटे से कही होगी कि बेटे, मेरे बेटे, परमेश्वर ने तुझे मांगा है। मैं सोचता हूं कि दोनों के आंखों में आंसू होंगे, लेकिन इसहाक ने अपने पिता से कहा होगा कि पिताजी जो परमेश्वर ने कहा है वही होने दे। इसहाक बलिदान होने के लिए, अपने स्वइच्छा से बलिदान होने के लिए तैयार था। इब्राहिम ने उसको बांध करके छुरी चलाने के लिए तैयारी किया और जैसे ही छुरी चलाने लगा तो परमेश्वर की आवाज आई। परमेश्वर ने कहा, हे इब्राहिम रुक जा, मैं जान गया हूं कि तू मुझ पर विश्वास करता है। मेरे दोस्तों ये बहुत ही मुख्य बात है कि इब्राहिम परमेश्वर की इतनी बड़ी आज्ञा को मान जाता है। यदि हमारे साथ आज ये हो, हम क्या कहेंगे परमेश्वर से? जरूर हम ये परमेश्वर से कहेंगे, क्या परमेश्वर इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता? क्या परमेश्वर इस रास्ते को आप नहीं बदल सकते? लेकिन मेरे दोस्तों इब्राहिम ने ये नहीं कहा, इब्राहिम ने कहा परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हमारी जिंदगी से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो ये हम चाहते हैं? ये तो बहुत ही जरूरी बात है। इसलिए जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं इब्राहिम के बारे में तो हमें पता चलता है कि इब्राहिम का विश्वास, और यहां से कहानी शुरुआत होती है कुर्बानी की, और कुर्बानी की कहानी चलती ही रहती है। हालांकि ये कहानी शुरू से चल रही है, जब से आदम इस जगत में आया उसी समय से ये कहानी चल रही है, लेकिन जो बलिदान होना था एक बच्चे का वो इब्राहिम के द्वारा तैयार किया गया। और सच्चाई तो ये है मेरे दोस्तों, ये यीशु मसीह की कुर्बानी की ही बात थी, और एक तस्वीर, एक छाया के समान था जो ये धीरे धीरे आज हमारे सामने प्रकट हो गया। यीशु मसीह ही वो सच्चा बलिदान था, ये तैयारी था हमारे परमेश्वर की कि हमें हमारे पापों से छुड़ाए, एक ऐसा बलिदान जो संपूर्ण मानव जाति के लिए होगा, परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया। और इब्राहिम ने ना जानते हुए भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। इब्राहिम को नहीं मालूम था कि परमेश्वर क्या कर रहा है। कई बार मेरे दोस्तों हमें नहीं मालूम होता कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उसमें हमें जो ये तकलीफें आ रही है क्यों हो रहा है, हमें नहीं मालूम चलता है। लेकिन मेरे दोस्तों परमेश्वर के पास योजना है। इब्राहिम के लिए परमेश्वर के पास योजना था। जैसे ही उसने परमेश्वर की पहली आज्ञा को माना, उसके बाद उसको दूसरी आज्ञा के बारे में पता चला। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए। इब्राहिम के लिए परमेश्वर के पास उपाय था, आपके और मेरे लिए भी उपाय है।
इसलिए इब्राहिम के बारे में जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब हम मती रचित सुसमाचार के बारे में पढ़ते हैं तो जो जनरेशन बताया जाता है तो उस जनरेशन में हम इब्राहिम का नाम देखते हैं। और आने वाले दिनों में अलग अलग जो जनरेशन के बारे में बताया जा रहा है, हम कोशिश करेंगे कि उन जनरेशनों का एक एक व्यक्तियों का बारे में देखें और उसके बाद हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में भी देखेंगे। तब तक परमेश्वर आप सभी भाई बहनों को बहुत आशीष करे। लगातार प्रभु यीशु के बारे में सीखते रहिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।